हे दोस्तों, मैं हूं सुधाकर और आपका गेयर नॉलेज में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम लोग आईफोन के कवर की अनबॉक्सिंग करेंगे। ये कवर जो है मैक्सेफ वाला है, तो मैं थोड़ा आईफोन के कवर की आरएनडी कर रहा था, तो क्योंकि भाई 10-10 हज़ार रुपये कवर आते हैं आईफोन के, तो मैं चाह रहा था कि आपको एक ऐसा कवर मैं आपको दिखाऊँ जो कि कम पैसे में हो और उसमें सारी फंक्शनलिटी हो। और ये वाला जो है मैक्सेफ वाला कवर है, तो मैक्सेफ वाली फंक्शनलिटी अगर आपके फ़ोन में है, अगर आपके पास आईफोन 12 या उससे ऊपर का आईफोन है, तो आपको मैक्सेफ वाला कवर काफ़ी ज़्यादा रिकमेंड करूँगा मैं। तो देखिए, ये कवर है आपका ESR कंपनी का, प्रोटेक्टिव फ़ोन केस लिखा हुआ है इस पर, और इसके जो स्पेसिफिकेशन है आप पॉज करके पढ़ सकते हैं, और इसका प्राइस है 2999 है। तो भाई चलो ओपन करते हैं। यहाँ पर एक टेप लगा हुआ है, इस टेप को भी ओपन करना पड़ेगा। तो इस टेप को ओपन करते हैं और हमारा कवर को हम लोग अनबॉक्स करते हैं। तो भाई कवर ये रहा, और इसकी पन्नी से पहले यहाँ पर रखा हुआ है ये आपका फोम एक। तो देखिए, आपको मिलिट्री ग्रेड की प्रोटेक्शन मिलती है, साथ ही आपको कैमरा गार्ड भी इसमें मिलता है। ये सारा कुछ यहाँ पर दर्शाया गया है इसकी पिक्चर में। आपको रेज्ड स्क्रीन की एजेस मिलती हैं, साथ ही आपको एयर गार्ड के जो कॉर्नर हैं जिसमें कि कुशन टाइप का, उनका कहना है कि बबल टाइप का है इनबिल्ट, वो लगा हुआ है। ये मैंने मंगाया है ब्लैक कलर का, इसलिए क्योंकि अगर वाइट कलर का आप मंगाएंगे तो ये टाइम के टाइम ये येलो पड़ जाता है, जो भी आपका अगर केस हो, तो इसलिए मैंने ब्लैक कलर का मंगाया है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर हालो लॉक मैग्नेटिक केस है, और ESR टेक मेड ईजियर है। अच्छा, ये मेरा ईयरपॉड है, तो अगर इसको मैं यहाँ करूँ तो हाँ देखिए, ये रुक तो रहा है, वैसे रुक रहा है क्योंकि कवर में है इसलिए रुक नहीं पा रहा है। अदरवाइज़ यहाँ पर मैग्नेट का बन रहा है, इसमें इम्पैक्ट आ रहा है मैग्नेट का। इसके अंदर भी मैक्सेफ है और इसके अंदर भी मैक्सेफ है, लेकिन ये कवर में है इसलिए ये सही से चपक नहीं रहा है। देखिए, कुछ इस तरह का मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये देखिए। तो इसमें यानी कि मैग्नेट तो हैं, अब कितने ज़्यादा ये इसके मैग्नेट स्ट्रांग है, क्योंकि मेरे पास कोई भी मैक्सेफ की एक्सेसरी नहीं है, इसलिए मैं आपको बता नहीं पाऊंगा कि कितनी स्ट्रांग ये मैग्नेट है। अदरवाइज़ मैं आपको बाकी चीज़ दिखाता हूँ। देखिए, कैमरा का बम्प है ये, और यहाँ पर ये कुछ लिखा हुआ है, इतना छोटा सा लिखा हुआ है कि पढ़ने में नहीं आ रहा है, माइक्रो लेंस से पढ़ने की कोशिश करता हूँ। ये जो भी है आपके सामने ही है, देखिए कैमरा गार्ड लिखा हुआ है, और यहाँ पर ये इसके बटन्स हैं, और यहाँ पर देखिए बटन्स इस तरह के हैं, नीचे का जो कटआउट है वो इस तरह का है, और पीछे का ही काफ़ी ही अच्छा लग रहा है। और क्योंकि ये मैक्सेफ है इसलिए थोड़ा कॉस्टली भी है कवर ये, तो ये आपको 1000 से ऊपर ही मिलेगा जब भी आपको मिलेगा। तो चलिए, पुराना वाला कवर अपने फ़ोन से हटाते हैं और नया वाला कवर अपने फ़ोन में डालते हैं। थोड़ा मैं इसको साफ़ कर लूँ, यहाँ पर कुछ गंदगी आई हुई है। देखिए, इसको अगर हम लोग देखते हैं किस तरह का, भाई ये तो आ गया काफ़ी अच्छे तरीके से। देखिए, कुछ इस तरह का आपको कवर करता है ये, और कैमरा बम्प अगेन मैं आपको बताऊंगा। और देखिए, यहाँ पर आपको जो कंपनी के हिसाब से यहाँ पर एयर कुशन आपको मिलते हैं, हो जा भाई जूम, ये देखिए ये एयर कुशन मिलते हैं आपको, ये देखिए, और ऐसे ही यहाँ पर प्रोवाइड की गई है। और यहाँ पर देखिए ESR की ब्रांडिंग है और कुछ लिखा हुआ है। तो इस तरह का आपको सारा कुछ इसका लुक एंड फील मिलता है कंपनी के अनुसार। यहाँ पर भी देखिए, आपको ये दिख रहा है लिप्स, ये देखिए रेज लिप्स हैं, ये आपके स्क्रीन से थोड़े से ऊपर आपको मिलेंगे, ताकि अगर आप अपने फ़ोन को या इस तरह रखेंगे किसी हार्ड सरफेस पे, तो डिस्प्ले जो है लगभग 1 mm जो है डिस्प्ले नीचे रहेगा, 1 mm का लगभग। यहाँ पर ये चार तरह से आपके लिप्स उठे हुए हैं, तो आपका ये 1 mm का रहता है, और 1 mm से कुछ कम का आपको यहाँ पर मिलता है कैमरे के बम्प, जिससे कि आपका कैमरा कहीं पर ऐसे आप फ़ोन रखते हैं तो कैमरा भी आपका किसी भी सरफेस से टच नहीं होगा, और आपका कैमरा बिल्कुल सही काम करेगा। और साथ ही यहाँ पर देखिए, स्लाइडर को ऑन ऑफ़ करने के लिए यहाँ पर अच्छा खासा दिया हुआ है। और अगर इसके वॉल्यूम वगैरह की बात करें, तो यहाँ से वॉल्यूम देखिए बढ़ रहा है, कम हो रहा है, बिल्कुल सही है, और यहाँ से ऑफ ऑन सारा कुछ हो रहा है, तो ये काफ़ी अच्छा। यहाँ पर बटन की जो क्लिकिंग है और जो फीडबैक है, टैक्टाइल फीडबैक है, वो पूरा मिल रहा है, कहीं पर कोई इशू नहीं है। और दोस्तों, ये कवर जैसे कि आपने देखा कि रगेड टाइप का प्रोफाइल भी है इसका, और यहाँ पर मैक्सेफ का भी ऑप्शन दिया हुआ है साथ ही, लेकिन यहाँ पर आपको एप्पल का लोगो काफ़ी हल्का दिखेगा। देखिए, यहाँ पर पूरा
एकदम फुल लोगो नहीं दिखता है, लेकिन यहाँ पर कैमरा जो है ना वही काफ़ी आपके ब्रांड के लिए, हर कोई जान जाएगा कि आप आईफोन यूज़ कर रहे हो अगर आपको शो ऑफ करना है तो। तो दोस्तों ये कवर आपको कैसा लगा आप नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर आपने अभी तक गेयर नॉलेज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो आपके लिए लाता रहता हूँ। चलिए मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।